जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं डिफेंस ज्ञानी। इस वीडियो में हम कुछ डिफेंस अपडेट पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला अपडेट आईएएफ की तरफ से है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूएई में दुबई एयर शो होने वाला है 14 से 18 नवंबर के बीच। ये एयर शो दुबई के अल मकतूम एयरपोर्ट पर होने वाला है। दोस्तों, इस एयर शो में आईएएफ से नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स के 3 एफओसी तेजस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आईएएफ से ही सूर्य किरण और सारंग एक्रोबैटिक्स टीम ने भी पार्टिसिपेट किया है। भारत की ओर से इस एयर शो में कई कंपनियां भी भाग ले रही हैं, जिनमें से कुछ कंपनियों के नाम इस प्रकार हैं: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, भारत डायनेमिक्स, ब्रह्मोस एरोस्पेस। अगला अपडेट इंडियन नेवी से है। इंडियन नेवी के अगले चीफ के तौर पर वाइस एडमिरल हरि कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। हमारे करंट नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वाइस एडमिरल हरि कुमार चीफ का पद संभालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाइस एडमिरल हरि कुमार INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर और INS रणवीर डिस्ट्रॉयर के कमांडेंट रह चुके हैं। आज का तीसरा अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है। एक रिलायबल सोर्स से पता चला है कि तेजस के 2 ट्विन सीटर ट्रेनर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, और अगर ये सोर्स सही है तो इसका मतलब ये है कि MK1 स्टैंडर्ड के सभी तेजस बनाए जा चुके हैं या लास्ट के 4-5 बचे हुए हैं। क्योंकि हम सबको ये पता है कि Mk1 स्टैंडर्ड के 36 तेजस के बाद ही ट्रेनर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। अब जो लोग ये बोलते हैं कि HAL का प्रोडक्शन स्लो है, उनको उनका जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगला अपडेट DRDO और DDR&D की ओर से है। कल DRDO और इसराइल की DDR&D में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के कई स्टार्टअप भी मिलकर काम करेंगे, और इससे बनने वाले इक्विपमेंट को दोनों देशों कि सिविलियन और मिलिट्री में यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, हमारा आज का लास्ट अपडेट मजगांव डॉक और इंडियन नेवी से रिलेटेड है। कल इंडियन नेवी को मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन INS वेला हैंडओवर कर दी गई। INS वेला 1615 टन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसको 4 रोल्स रॉयस के डीजल इंजन से पावर किया जाता है। इसके बाद स्कॉर्पियन क्लास की बाकी 2 सबमरीन को 2024 से पहले डिलीवर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये कम्युनिटी बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।